सब्सक्राइब माय चैनल मन्ना एंड यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ सिम रिसीवर की। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि हमें वो कौन सा बॉक्स लेना चाहिए जिस पर शेयरिंग काफ़ी अच्छी चले, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी देहात या लोकल एरिया में रहते हैं तो आपके लिए सिम वाला रिसीवर काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सिम वाला रिसीवर ही देहात में काफ़ी अच्छा चलता है। ना तो इधर वाईफाई होता है और ना ही कोई PTCL की कोई ऐसी सहूलत मौजूद होती है। तो अगर आप हो देहात में तो देहात में आप यही बॉक्स लें सिम वाला। तो इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूँ। अगर आप इस 1506G या T का बॉक्स लेंगे तो इस पर काफ़ी अच्छी शेयरिंग चलती है और इसकी जो प्राइस है वो आपको 3500 से 4000 तक सिम वाला बॉक्स मिल जाएगा आसानी। 1506T का लें और मोटे टीने वाला आपने बॉक्स लेना है, लंबा टीना होना चाहिए उसका, जिसे हम अल्टीना भी कहते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप देहात में हैं सिम वाला बॉक्स। और इसके बाद अगर आप शहर में रहते हो तो शहर में तो आपको ही पता है कि वाईफाई काफ़ी अच्छा होता है और इधर PTCL या फिर जों की डिवाइस वगैरह काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो शहर में तो आप वाईफाई वाला बॉक्स ही लें, क्योंकि वाईफाई वाला बॉक्स वाहिद बॉक्स है जिस पर काफ़ी अच्छी सी लैंड शेयरिंग चलती है। और आप वाईफाई वाला बॉक्स लेकर शहर में आप शेयरिंग यूज़ कर सकते हो आसानी। इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1506T या जी का लोगे तो आपको ये 1500 से 2000 का मिल जाएगा। अगर आप गोडा सर्वर वाला बॉक्स लोगे तो वो आपको 3000-3200 के आसपास मिल जाएगा। तो शहर में आपने यूज़ करना है वाईफाई वाला बॉक्स, और अगर आप देहात में हैं तो देहात में आप ले सकते हो सिम वाला बॉक्स। सिम वाला बॉक्स भी काफ़ी अच्छा बॉक्स होता है और वाईफाई वाला भी। वाईफाई वाले पे ये है कि काफ़ी अच्छी शेयरिंग चलती है, क्योंकि 4G की स्पीड उसे मिलती है और इस पर ब्रेक वगैरह थोड़ी सी कम होती है। सिम पर मसला आता है सिग्नल का, क्योंकि 3G बॉक्स होता है इसलिए थोड़ा सा मसला करता है। तो यही आज की एक छोटी सी वीडियो थी। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।